क्या हाल है आप सबके? बढ़िया ना? ये तो मुझे मालूम है, आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया हैं। और क्यों हैं बहुत अच्छे बहुत बढ़िया? क्योंकि आप सब अपनी स्टडीज को लेके ऑप्टिमिस्ट हैं और क्या हैं, पॉजिटिव हैं। सो जब हम पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्ट होते हैं बच्चों, तो नो डाउट कोई भी हमें हमारे गोल तक रीच करने से नहीं स्टॉप कर सकता। सो यही मेरी विशेष है बच्चों, आप सब नीट के पेपर में यानी 2024 में फुल मार्क्स लेके आए। ओके, सो नहीं है नीट पेपर का पंचनामा बच्चों, फिर भी हमको इन 2024 में नीट के पेपर में स्पेशली बायोलॉजी में 360 मार्क्स लेके है आना, इट इज कंपल्सरी। ओके, तो चले चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ और देखते हैं आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ। आज बेसिकली मैं आपको एव्स यानी बर्ड्स पढ़ाने वाली हूँ, साथ में इसके मैं मैमल्स भी पढ़ाने वाली हूँ। दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, दैट वी नो वेरी वेल, बट देन आल्सो इट विल कवर टू टॉपिक्स साइमल्टेनियसली। ओके, तो चलिए चलते हैं और पूछते हैं ये एव्स क्या चीज है पहले। आइए, सो पहला पॉइंट अगर मैं एव्स में देखूं बच्चों, तो उसका जो करेक्टरिस्टिक पॉइंट है वो है फैदर्स। सो पूरी बॉडी में इसके हमको क्या मिलता है? फैदर्स, ये हम जानते हैं ना, और ऐसी कोई भी चीज हमको यहाँ पे नहीं मिलती। सो अगर मैं मैमल की बात करूं तो इसमें क्या मिलेगा हमको? मेनली हमको मिलेगी स्किन पे हेयर्स। तो देखिए क्या डिफरेंस है ना दोनों में, ये डिफरेंस। सेकेंड अगर पॉइंट इसकी मैं करेक्टरिस्टिक की बात करूं बच्चों, सो इसके अंदर बीक होती है और जो मैमल्स में बिल्कुल भी नहीं होती है, दैट वी नो वेरी वेल, है ना। मैमल्स में बीक आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, बट मैमल्स में आपको एक चीज मिलेगी, टीथ। क्या मिलेगा बच्चों आपको? टीथ, और वो भी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे, है ना। हमारे टीथ स्ट्रॉन्गेस्ट, जरा टच करिए और मुझे बताइए। और टीथ इसमें एब्सेंट रहते हैं, सो यहाँ पे मैं लिख लू टीथ एब्सेंट। क्लियर हुआ आपको ये दोनों पॉइंट? कितने इजीली हमने पढ़ लिया, है ना। अब अगर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एव्स की बात करूं मैं, सो जल्दी बताइए क्या है नेक्स्ट। बेसिकली इसके पास भी टू पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, हाइंड लिम्स और फोर लिम्स। सो जो एव्स है बच्चों, उसका जो फोर लिम्स है वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जो हाइंड लिम्स है वो कैसे होते हैं? वो बेसिकली वॉकिंग करने के लिए होते हैं, क्लाइंबिंग करने के लिए होते हैं, रन करने के लिए होते हैं। तो चलिए देखते हैं मैमल्स में लिम्स क्या करते हैं और बर्ड्स में लिम्स क्या करते हैं। सो इसमें जो फोर लिम्स हैं, फोर लिम्स आर कन्वर्टेड इनटू विंग्स, ठीक है। और यहां पे टू पेयर्स ऑफ लिम्स प्रॉपरली प्रेजेंट रहते हैं। सो यहां लिख देती हूं मैं टू पेयर्स ऑफ लिम्स, है ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं हम एव्स का। सो अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एव्स की बात करूं बच्चों, सो इसकी जो बोन्स होती हैं, यानी एव्स का जो एंडोस्केलेटन होता है वो कंप्लीटली ऑसिफाइड होता है, यानी बोनी होता है, होलो होता है, दैट वी नो, और एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, जो बेसिकली एयर को एक्सचेंज करने में बहुत हेल्प करती हैं एट द टाइम ऑफ फ्लाइंग, यानी वो न्यूमैटिक होती हैं। तो चलिए लिखते हैं ये पॉइंट, क्या लिखू मैं? एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन इज ऑसिफाइड। क्या है ये बच्चों? ऑसिफाइड है, यानी बोनी है। बट ये बोन्स कैसे हैं बच्चों? होलो हैं। सो यहां पे लिख देती हूं मैं होलो एंड प्रेजेंस ऑफ एयर कैविटीज। सो मैं यहां पे लिख देती हूँ एयर कैविटीज भी इसमें, ठीक है ना। बट यहां पे क्या है? एंडोस्केलेटन कंप्लीटली बोनी है, बट ये बोनी के साथ साथ इसमें मैट्रिक्स भी है। सो मैं यहां लिख दू एंडोस्केलेटन इज बोनी। ओके बच्चे, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो मैमल्स हैं उनकी स्किन में स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, बट जो हमारे एव्स हैं उनके अंदर ऐसा कोई भी ग्लैंड्स नहीं होते, बट उनकी जो टेल होती है उसका जो टिप होता है यानी एट द बेस होता है, उसके पास ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं। सो ये भी पॉइंट हम यहाँ लिख देते हैं, है ना। मैमल्स के पास क्या होता है? ग्लैंड्स, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? स्वेट एंड सेबेशियस।
ओके, बट अगर मैं इसके पास हूँ, एप्स के पास, सो ग्लैंड्स आर नॉर्मली एब्सेंट, एब्सेंट क्यों? बिकॉज स्किन इज ड्राई, स्किन इज ड्राई होती है इसकी, ओके। बट जो बेस होता है इसका, टेल का बेस, यानी टेल बेस जो होता है एप्स का, उसके पास ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं। टेल बेस कंटेन्स ऑयल ग्लैंड्स, है ना? देखो कितना सिंपल, क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करते हैं दोनों की। जो एप्स का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है बच्चों, उसके पास एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं, यानी क्रॉप और गिजार्ड। बच्चों क्रॉप और गिजार्ड आपने कहाँ पढ़े हैं बताइए जल्दी? कॉकरोच में आपने देखा है कि उसके पास भी क्रॉप और गिजार्ड होता है। सेम एज इट इज, जो एव्स है इसके पास भी क्रॉप और गिजार्ड मिलेगा। सो मैं लिखूं यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक, हैविंग क्रॉप एंड गिजार्ड, क्लियर? बट ऐसा कोई भी चीज यहाँ प्रेजेंट, यानी मैमल्स में प्रेजेंट नहीं होती। तो बच्चों इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि बर्ड्स और मैमल्स दोनों के पास लंग्स होते हैं, यानी इनका जो रेस्पिरेशन होता है वो थ्रू लंग्स होता है। सो मैं यहां लिखूं रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, ओके। यहां पे भी अपन ऐसे लिख देते हैं रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, ओके। बट इसके पास, किसके पास? बर्ड्स के पास एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, जो बेसिकली लंग से अटैच्ड होते हैं और एज अ सप्लीमेंट्री रेस्पिरेशन प्रोवाइड करते हैं एट द टाइम ऑफ फ्लाइंग, ओके। सो चलिए वो भी लिख देती हूं मैं, क्या लिखूं? एयर सैक्स प्रोवाइड्स सप्लीमेंट्री रेस्पिरेशन ना। सो ये एक इसका बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों? क्योंकि ये इसके साथ वर्क करेगा, अदरवाइज बर्ड्स फ्लाई करने में प्रॉब्लम करेंगे, ओके? अब अगर हम मैमल्स को देखें तो कौन कौन से पॉइंट हो गए देखते हैं। हेयर्स है, टीथ है, टू पेयर्स ऑफ लिम्स है, एंडोस्केलेटन इज बोनी है, ग्लैंड्स है, स्वेट एंड सेबेशियस, रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, हार्ट, फोर चैम्बर्ड हार्ट, फोर चैम्बर्ड बच्चों हार्ट, सेम एज इट इज, फोर चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट इन एव्स बर्ड्स, ओके। सेक्सेस आर सेपरेटेड, सो मैं यहां लिख दूं इसमें सेक्सेस आर सेपरेटेड। एक और चीज जो केवल और केवल मैमल्स में प्रेजेंट होती है वो है हमारी मेमोरी ग्लैंड्स। So, memory glands, presence of memory glands बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, क्यों? क्योंकि ये मैमल्स हैं, ओके। सो प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स हमारी बर्ड्स में प्रेजेंट नहीं होती है। एक और चीज, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, और बर्ड्स में भी बच्चों फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही होता है, क्लियर? और कोई डिफरेंस आपको समझ आ रहा है? ये ओविपैरस होते हैं बर्ड्स, और ये विविपैरस होते हैं, साथ में कुछ ओविपैरस भी इसमें आपको जरूर मिलेंगे। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों वो ये है, बेसिकली जो बर्ड्स हैं उनमें नॉर्मली तो जो बर्ड्स हैं फ्लाई करती ही करती हैं, बट इनमें कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स भी मिलती हैं, और उसमें जो कॉमन एग्जांपल है उसका नाम है स्ट्रूथियो, स्ट्रूथियो मींस ऑस्ट्रिच, ओके। सो मैं लिखूं यहां पे फ्लाइटलेस बर्ड,
बर्ड, ऑस्ट्रिच, ओके। और जो स्मॉलेस्ट बर्ड है बच्चों, वो हमिंग है। हमिंग सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है और सबसे लार्जेस्ट बर्ड आपकी ऑस्ट्रिच है, क्लियर। सो बच्चों, ये वो पॉइंट्स हैं जो एव्स और मैमल्स में इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। सो एक बार देख लें ये पॉइंट फिर से। फैदर्स प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स के अंदर, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं मैमल्स के अंदर, बीक प्रेजेंट होती है एव्स के अंदर, टीथ प्रेजेंट होते हैं मैमल्स के अंदर। टीथ मैमल्स में जो टीथ है बच्चों, वो हमारे एव्स में एब्सेंट होते हैं, ओके। देन फोर लिम्स दोनों में प्रेजेंट है, बट जो एव्स के फोर लिम्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे विंग्स में, और जो मैमल्स के फोर लिम्स हैं वो एज इट इज रहने वाले हैं, ठीक है। बट आपको कुछ एग्जांपल्स में मिलेंगे जो फोर लिम्स विंग्स के साथ में प्रेजेंट आपको मिलेंगे, जैसे बैट कॉमन एग्जांपल, ठीक है। देन जो इनका एंडोस्केलेटन है वो कंप्लीटली ओसिफाइड है, यानी बोनी है, होलो है, और एयर कैविटीज उसमें प्रेजेंट है। और मैमल्स का जो बच्चों एंडोस्केलेटन है वो कंप्लीटली बोनी होता है विथ बोनी मैट्रिक्स, ओके। देन ग्लैंड्स इसमें नॉर्मली एब्सेंट होती हैं एव्स की स्किन में, और बट इसकी जो टेल होती है उसका जो बेस होता है उस पर ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। और अगर हम मैमल्स की बात करें सो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिसमें मेनली स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, ओके। दूसरा अगर हम बात करें इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है एव्स का, उसके पास एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं जिसको हम क्रॉप और गिजार बोलते हैं, जो सिमिलर कॉकरोच में प्रेजेंट है, बट ऐसा कुछ भी हमारे मैमल्स में प्रेजेंट नहीं रहता। उसके बाद रेस्पिरेशन की बात करें सो थ्रू लंग्स इसमें भी होता है, थ्रू लंग्स हमारे में भी होता है, बट द थिंग इज दैट जो इसके पास एयर सैक्स होते हैं जो फ्लाइट करते समय इसके लंग्स से अटैच हो जाते हैं और सप्लीमेंट्री रेस्पिरेशन प्रोवाइड करते हैं, ओके। और हार्ट फोर चैम्बर्ड मैमल्स का भी है, हार्ट फोर चैम्बर्ड एव्स का भी है, सेक्सेस आर सेपरेटेड मैमल्स में भी है, सेक्सेस आर सेपरेटेड एव्स में भी है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओके। और कुछ बचा, और हाँ ये बचा कि इसके अंदर स्मॉलेस्ट जो बर्ड है उसका नाम हमिंग बर्ड है, और जो लार्जेस्ट बर्ड है उसका नाम ऑस्ट्रिच है। दूसरा, ऑस्ट्रिच एक फ्लाइटलेस बर्ड है। और एक पॉइंट इसमें छूट रहा है बच्चों, वो ये कि इसका जो हाइंडलिम्स होते हैं वो स्केली हॉर्न प्रेजेंट होते हैं, यानी इसके जो हाइंडलिम्स हैं उस पर स्केल्स प्रेजेंट होंगे जो हॉर्नी होंगे, ओके। सो एक पॉइंट में और लिख देती हूं, हॉर्नी स्केल्स एट हाइंड, क्लियर। सो ये सारे के सारे पॉइंट हमारे एव्स और मैमल्स के हैं। एक पॉइंट और बच्चों इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, जो मैमल्स होते हैं ना वो हमारे यूरियोटेलिक मैमल्स होते हैं, यानी हम यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, और जो एव्स होते हैं बच्चों वो यूरिकोटेलिक होते हैं, यानी वो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ओके। चलिए मैं यहां लिखती हूँ, ठीक है, एक छोटी सी लाइन भी बना देती हूँ। क्या होते हैं ये? यूरिकोटेलिक एनिमल्स और रिलीजिंग यूरिक एसिड। और मेनली जो मैमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? यूरियोटेलिक एनिमल्स, एनिमल्स, और ये क्या रिलीज करते हैं बच्चों? यूरिया। सो दिस इज अनदर पॉइंट, ओके। सो बच्चों ये भी एक इसका पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर। सो बच्चे नॉर्मली हमने सारे पॉइंट पढ़ लिए, अब मैं जा रही हूँ कैमरे के पीछे और इसको रब करूंगी, उसके बाद मैं इसके एग्जाम्पल लिखने वाली हूँ। इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्यों? क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आपसे कोई नहीं पूछने वाला नीट में, बट आपसे पेयरिंग में टिक द करेक्ट ऑप्शन में एग्जाम्पल्स पूछेंगे, उनके बायोलॉजिकल नेम और उनके ओरिजिनल नेम और कॉमन नेम जरूर पूछेंगे। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इनके नामों को ना भूलिएगा, बाय हार्ट याद करिएगा, ओके। चलिए बच्चों अब एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं दोनों के। नॉर्मली मैंने आपसे ये बोला कि जो बर्ड्स होते हैं
वो ओवीपैरस होते हैं, यानी ये पहले एग देते हैं फिर बेबीज आते हैं। बट जो हमारे मैमल्स होते हैं वो ओवीपैरस के साथ साथ वीवीपैरस भी होते हैं। मोस्टली तो वीवीपैरस ही होते हैं, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट बर्थ देते हैं। तो चलिए देखते हैं इनको। तो यहाँ पे मैं लिखूं ओवीपैरस, और यहां भी लिख दूं मैं ओवीपैरस, और वीवीपैरस मैं बाद में लिखूंगी। दूसरा एक और चीज बोलना चाहूंगी बच्चों, जो मैमल्स हैं उनके पास पिन्ना होता है, यानी एक्सटर्नल ईयर। सो ये हम देख सकते हैं हमारा भी पिन्ना है ना। तो चलिए पहले हम एप्स के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फिर हम मैमल्स के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सो आइए, जो ओवीपैरस में फर्स्ट एग्जाम्पल है एप्स का, वो है हमारा कोरवस। कोरवस मीन्स क्रू। सो देखा आपने, क्रो को हम क्या बोलते हैं? कोरवस। सेकेंड पेवो, पेवो मीन्स पिकॉक। ओके, थर्ड है हमारा बच्चों एप्टेंडाइटस। एप्टेंडाइटस यानी इसको हम क्या बोलेंगे? पेंगुइन। सो याद रखना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी कोशिश करिएगा, याद जरूर होगा। फोर्थ है हमारा सिटैकुलेटा, या हम ये बोल सकते हैं सिटैकुला। तो पी साइलेंट है बच्चों इसमें, सिटैकुला। ओके, और इसको बोलते हैं पैरट। क्लियर? तो सोचिए कितना हार्ड बायोलॉजिकल नेम है और कितना सिंपल कॉमन नेम है। फिफ्थ वन है हमारा स्ट्रूथियो। स्ट्रूथियो मींस ऑस्ट्रिच। देन सिक्स्थ है हमारा, देन बच्चों जो सिक्स है उसका नाम है न्यूफ्रॉन। न्यूफ्रॉन यानी वल्चर। ओके, और जो सेवेंथ नेम है, सेवेंथ नेम कोरवस, पेवो, एपेंडाइटस, सिटैकुला, स्ट्रूथियो, न्यूफ्रॉन, कोलुम्बा। कोलुम्बा मीन्स पिजन। कोलुम्बा मीन्स बच्चों पिजन। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? हमारे एव्स के हैं। ओके, यानी सेवन एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं। इधर वाले सारे नाम आपके बायोलॉजिकल नेम हैं और इधर वाले सारे नाम कॉमन हैं। सो इनको याद कर लीजिए बाय हार्ट, क्योंकि जो मैचिंग आती है फिर उसके नीचे आपने देखा होगा बहुत सारे 1 2 3 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें से आपको करेक्ट वन पे टिक करना रहता है। सो ये आना ही आना है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी, एंड सो बच्चों दिस इज द पार्ट ऑफ योर नीट। ओके, तो चलिए बच्चों अब मैमल्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें जो पहला एनसीईआरटी में ओवीपैरस मैमल का एग्जाम्पल है वो है ऑर्निथोरेंचस। ओके, सो ऑर्निथोरेंचस। ओके बच्चों, इसकी स्पेलिंग सबसे हार्ड है, सो प्लीज पढ़िएगा अच्छे से। जिसको हम कॉमन नेम क्या है इसका? प्लैटिपस बच्चों। ओके, ये इसका कॉमन नेम है प्लैटिपस। नाउ अ वीवीपैरस। वीवीपैरस जो है हमारे वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, देखते हैं कितने याद है मुझे और मैं कितने लिख पाती हूं यहाँ पे। चलिए, सो पहला एग्जाम्पल है इसका हमारा टेरोपस। टेरोपस यानी फ्लाइंग फॉक्स। ये बैट नहीं है बच्चों, है ना, ये फ्लाइंग फॉक्स है, बैट अलग है। ओके, सो टेरोपस यानी फ्लाइंग फॉक्स। कैमलस, कैमलस यानी कैमल, आपको समझ ही आ रहा होगा, बहुत इजीली आप इससे इस वर्ड को बना सकते हैं कॉमन नेम को। थर्ड है हमारा मैकाको। मैकाका, मैकाको नहीं है, मैकाका। सो ये है मंकी। ओके, देन फोर्थ है हमारा मार्कोपस। मार्कोपस यानी कंगारू। ओके, तो सोचो आप कितने हार्ड बायोलॉजिकल नेम है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बट याद हो जाते हैं। कोशिश करिए, रोज रिवीजन करिए, जरूर याद होंगे। ओके, देन उसके बाद है हमारा ट्रिक्स। ई क्यू यू यू एस, ट्रिक्स यानी हॉर्स। ओके, देन सिक्स्थ है हमारा एलिफस।
एलिफा, एलिफा एलिफाई है बच्चों, देन एलिफेंट, ओके। देन सेवेंथ है हमारा चेरोपस, कैमलस, मैकेका, मार्कोपस, विक्स। सिक्स है हमारा एलिफा यानी एलिफेंट। देन इसमें वेल भी आएगी बच्चों और डॉल्फिन भी आएगा। सो डॉल्फिन को बोलते हैं डेल्फिनस, डेल्फिनस, ओके, तो यानी डॉल्फिन। देन आपका एट जो है, एट है आपका बेलेनोपेटस, बेलेनोपेटस नहीं, बेलेनोपेट्रा है बच्चों, पेट्रस नहीं, बेलेनोपेट्रा मीन्स ब्लू वेल, ब्लू वेल, ओके। देन नाइन्थ है हमारा डॉग एंड कैट। सो डॉग को हम बोलते हैं कैनिस, तो मैं यहां लिखती हूं जॉग। और टेंथ है हमारा फैलेस, बोलते हैं कैट। और इलेवन एंड ट्वेल्थ दो छूट रहे हैं, आप याद दिलाइए मुझे अगर आपको याद आ रहे हो, मैंने तो इतने सारे नाम आपको याद दिला दिए। तो इलेवेंथ है हमारा बच्चों रैटस, यहाँ पे लिखती हूँ मैं रैटस यानी रैट। और टेंथ टिग्रिस यानी हमारा टाइगर जी आ गए, ठीक है ना। और थर्टींथ है हमारा पैंथर लियो, लियो यानी लायन। तो देखो कितने सारे नाम आज हमने याद किए किए ना, बहुत सारे नाम यार, ये सारे के सारे नाम मैचिंग में आते हैं नीट के पेपर में, और उसके नीचे फिर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, फिर इन्हीं में टाइम लगता है। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है, रोज रिवीजन करिए इन नामों का, जितने हार्ड नाम हैं उनको आपको रिवीजन बिठा करना ही होगा, देन ओनली यू विल गेट द रिजल्ट, ओके। सो बने रहिए मेरे साथ कामिनी ज़ुबान क्लासेस में, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और नीट रैप में अपना इम्पोर्टेंस देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वो आपका एक क्विक रिवीजन है जो मैं आपको दे रही हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।